हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई फिश कड़ी। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg फिश, इसे अच्छा से वॉश कर लिया है। फिश में हम डालेंगे 4 चम्मच नींबू का जूस और इसे हाथों से या एक चम्मच के मदद से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, एक बॉल लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून जीरा और धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्च। मिक्स कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया मैंने। इसके अंदर डालूंगी 4 चम्मच पानी, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी की ज़रूरत और पड़े तो आप और डाल सकते हैं। इस तरीके का थिक पेस्ट हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं एक प्लेट लूँगी, इसके अंदर हम एक एक फिश को लेकर और इस मसाले को हम कोट करेंगे इसके ऊपर। आप चम्मच या हाथों के हेल्प से कर सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ हमें मसाले को लगा देना है। इसी तरीके से हम सारे फिश पे मसाले का कोट कर देंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हम मसाले का एक लेप लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारे फिश को हमने इस तरीके से मसाले से कवर कर दिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। फ्रेंड्स, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई या पैन या तवा कुछ भी रखेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे। आप बटर की जगह पे कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अच्छा से गर्म हो गया है ये। इसमें अब मैं फिश को ऐड करूँगी इस तरीके से। ज़्यादा फिश एक साथ में ना डालें, ये तो ये पलटने में प्रॉब्लम होगी, टूट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट तो हमने एक साइड में इसे फ्राई कर लिया है और हमने 3 फिशेज ही डाला है इसमें। अब इसे हम हल्के हाथों से पलट लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा फिश। तो इस तरीके से हम पलट के दूसरे साइड भी इसे फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट। हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हमें सारे फिश को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगी क्योंकि इसमें ऑयल कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है। फिर मैं इसमें दूसरा बैच डालूंगी फिश का। इस तरीके से हमारे पास जितने फिश है उत्तर में फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, सारे फिश को हमने फ्राई कर लिया है। उसी पैन में मैं बटर और ऐड कर रही हूँ और इसमें मसाले को भूनूंगी। तो ये जीरा, मेथी और राई है। बटर गर्म हो चुका है, इसमें मैं इसे डाल दूँगी और तड़कने दूँगी इसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये तड़क चुका है, उसके बाद इसमें एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दूंगी। और फ्रेंड्स, अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस को कर देंगे। ये फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, बाकी लहसुन है। लहसुन हम ज़्यादा डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मसाले डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर टेस्ट के हिसाब से, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स करके हमने रखा है। इसे डालेंगे 1 टेबल स्पून
हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर हमने डाला है और इसे भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भुनना है और अच्छा से भुनने लग गया है मसाला, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 कटा हुआ बारीक टमाटर, इसे भी सॉफ्ट होने तक भुनेंगे हम। फ्रेंड्स ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है तो इसमें 2 चम्मच मैं डाल दूंगी राई का पेस्ट, आप देख सकते हैं। इसे भी हम भुनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, हमें मसाले को पकाना है और मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है। आप देख सकते हैं वेल सेपरेट हो चुका है, मसाले बहुत बढ़िया से भुन चुके हैं और मसाले हम जितना अच्छा से भुनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा सब्जी का। तो आप देख सकते हैं हमारे फिश के लिए मसाला रेडी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, इसे भी थोड़ा भून लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल रेडी हैं भून के। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1.5 गिलास पानी। फ्रेंड्स पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ, थिक ग्रेवी मुझे पसंद है। अब इसे ढक के बॉयल होने देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम फिश के पीसेज ऐड कर देंगे। इस तरीके से आराम आराम से सारे पीसेज को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स पीस को डालने के बाद हमें चलाना नहीं है, इसे ढक के मैं 2 से 2.5 मिनट तक पकाऊंगी। फ्रेंड्स 2.5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे खोल के और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे पलट दूंगी, दूसरे साइड में टर्न कर दूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है नहीं तो फिर टूट जाएगा फिर पीस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पलट लिया था सारे फिश को और कितना अच्छा से दोनों साइड से पक चुका है फिश। तो अब इसके ऊपर थोड़े से हरी मिर्च इस तरीके से पीसेज में कट करके मैं डाल दूँगी। उसके बाद से 1/4 टेबल स्पून में गरम मसाला डाल दूंगी और धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। अब इसके बाद से हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है, तो चलिए सर्व कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल पीसेज टूटे नहीं हैं, आप देख सकते हैं। इसे चलाना नहीं है ग्रेवी में डालने के बाद और आप देख सकते हैं बिल्कुल पीस उसी तरीके से है। तो फ्रेंड्स हमने सर्व कर लिया है, आप भी इसे ज़रूर बनाएं अपने घर पे और इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।